कुर्बान कौन है भाई? यस सर। चंदन? यस सर। ब्रजेश? यस सर। मोहम्मद? तसमून? जी यस सर। चारों लोग क्या ट्रेड है ये वीडियो पता है क्यों बनता है? ये कंपनी है, बोलोगे हमें नहीं बताया गया कुछ ये किया वो किया तो फिर सीधे वापस आओगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वापस आने पे ये वीडियो आपका हम एजेंट को देख देंगे और कंपनी भी रहता है, ठीक है? कि आप लोग गलती करो या हम गलती करें दोनों का प्रूफ होना चाहिए, बराबर है? जी जी। ना हम आपसे झूठ बोलेंगे ना आप हमसे झूठ बोलोगे, बराबर? जी सर। तो क्योंकि पेपर लिखा पढ़ी में कल को होता है कि स्टैम्प पे क्या किया कि वो ऐसे ही साइन करा लिया, वो तो ब्लैंक था तो उनको हिंदी नहीं पढ़ने आती, तो लेबर आदमी है ऐसे अंगूठा लगवा लिया होता है ना, इसलिए वीडियो समझाया क्यों है? क्योंकि हिंदी तो समझ में आ ही रही है, इसमें तो कोई डंडा लेके खड़े नहीं है, डंडा लेके बनवाएंगे तो दिखेगा उसमें डंडा लेके बनवाया है, कोई दबाव तो है नहीं आप लोग? नहीं सर, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई गाड़ी गलोस तो किया नहीं आपसे कोई? नहीं सर। हाँ करना है तो बहुत मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं ना। तो आप लोग को सटरिंग कारपेंटर में वीजा लगा है, बराबर? जी सर। और जो सिलेक्शन हुआ है सेल्फ सिलेक्शन था, मतलब इंटरव्यू नहीं हुआ, इसमें आपकी एजेंट की विश्वसनीयता पे या आपके अपने कमिटमेंट पे वीजा लगता है कि हम ये कारीगर हैं, बराबर? जी। तो आप लोग कारीगर हो सच में? अपनी मर्जी से बताओगे कि मैं पूछूंगा? अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करोगे कारीगर हो कि नहीं, या मैं क्वेश्चन पूछूंगा? जी कारीगर। कारीगर तो हूँ। कारीगर हो कि कारीगर तो हूँ? कारीगर हूँ कंफर्म। आप? नहीं सर, मैं नहीं हो ना, इसलिए मैंने कहा अपनी मर्जी से कब बोलोगे या मैं पूछना शुरू? नहीं सर, मैं नहीं कारीगर, नहीं नहीं हो कारीगर आप। सर मान लीजिए हल्का फुल्का हम काम मैंने गांव में काम करते थे ना, हल्के फुल्के खाली बहुत जानते हैं वो भी ना, हल्का फुल्का भी कितना जानते हो मतलब? जैसे मान लीजिए छोटा मोटा छज्जा का मैंने सेल्टरिंग किए हैं, हाँ बाकी उतना मैंने अभी मैंने हम हेड मिस्त्री नहीं है, हेड मिस्त्री नहीं, हाँ नहीं है। तो मैं एक लाइन में बोलूं? बोलिए सर। कंपनी में जो सैलरी है सटरिंग कारपेंटर की, ए ग्रेड का 1200 दिरहम, ठीक है, बी ग्रेड का 1100 दिरहम, सी ग्रेड का 1000 दिरहम, कुछ नहीं आता लेबर हो तो 900 दिरहम, प्लस ओटी सब पे है, ओटी अच्छा चलता है 3 से 4 घंटा चलता है, ठीक है, जिनको में सप्लाई कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छा है, एकदम क्लियर कर दूं मैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपसे, जब काम कराएगी कंपनी तो पता लगेगा कितने ग्रेड के हो। ए ग्रेड में हो तो 1200, बी 1100, सी में 1000 दिरहम। अभी वहाँ पे हम लोग का भी इंटरव्यू लिया जाएगा ना? नहीं इंटरव्यू नहीं होगा, काम करा के देखा, काम करा के देखा, काम ही करने जा रहे हो ना, तो काम तो कराएगी ना। तो अगर अभी मान लीजिए एक हफ्ता हम लोग को मान लीजिए हेल्प करेगा ना, वो हेल्प नहीं करेगा, कारीगर क्यों हेल्प करेगा आपकी? थोड़ा बहुत हम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हेल्प क्या होता है, हेल्प क्या होता है, कारीगर जा रहे हो, सामान देगा आपको, अपने को सामान देगा, सामान देगा आपको, सटरिंग के बारे में क्या जानकारी बेटा जी? सटरिंग के बारे में क्या जानकारी आप दे रहे हो, बताया सटरिंग कैसे लगती है? सटरिंग सामान देंगे और लगाएंगे, 5-6 सामान का नाम बताओ सटरिंग के। सटरिंग में हुआ एक हथौड़ी हुआ, कील हुआ, पलाई हुआ, खुट्टा हुआ, यही सब, और टेप हुआ, जब फाइनल हो जाएगा फिर टेप मारना, फिर मोबिल मारना, उसके बाद फिर आप बताइए क्या जानकारी है सटरिंग के बारे में, क्या जानते हो, क्या होता है सटरिंग? देखिए सेल्टरिंग शुरू से हम बता रहे हैं, पटरा रहेगा, आपस रहेगा, आप फिर कील रहेगा, आप फिर चापस रहेगा, मैंने नीचे लगाए खदीगे क्लिप, ठीक ना, अब फिर आप जब उस पर छज्जा करेंगे तो उस पर चादर डालेंगे, जब चादर डाल के उस पर सरिया बांधेंगे, जब ढालने चलेंगे तो उस पर हम लोग मोबिल गिराएंगे, आप गिरी। अच्छा, आपने गांव में काम किया है ना? जी सर। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊं, ना तो पटरा रहेगा, ना तो बांस रहेगा, ना तो चाप रहेगा, जिसको आप जैसे हम लोग किया, मैं समझ गया, समझ गया, मैं क्या बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, वहाँ बांस की जगह रहेगा स्कार्फोर्ड का, लोहे का, चाप जो बोले चाप, मतलब जो आप मेरे ख्याल से नीचे कुछ लगा करके लेबल मिलाने के लिए, बराबर, इसके लिए जैक रहेगा, जैक, ठीक है, जैक लगता है उसको, टांग दीजिए। अब वो कैसा होगा, प्रेशर वाला होगा, मैनुअल होगा, भगवान जाने, मैंने वहाँ पे हर साइड को विजिट किया नहीं, जो भी होगा
जैक होगा, बांस की जगह इसका फोल्डिंग होगा। और क्या बोले आप ऊपर? पटरा। पटरा नहीं होता, प्लाई होता है। प्लाई भी होता है, लोहे का भी होता है। लोहे का भी तो ये होता है दुबई का सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है दोनों की। आपने बोला ना पटरा वगैरह, मैं समझ गया आपने गांव में लगाया है। गांव में अभी भी पटरा यूज होता है। पटरा मतलब क्या? पटरी, छोटी छोटी होता है। मैं समझ गया, मैं आपकी बात को मैं समझ गया। तो आप वो भी नहीं किए? हाँ मुझे पता है आप वो भी नहीं किए। नहीं सर, नहीं किए ना? नहीं सर, लेकिन इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मिस्त्री के साथ में किए होंगे। सेटिंग लगा दो, बता देता है कैसे रखो, ये रखो, पटरा चढ़वा दो, पटरा बिछवा दो, मिट्टी बराबर करवा दो, मोबिल मरवा दो या पन्नी लगवा दो, ऐसे सब मिस्त्री का हेल्पर। बराबर, गलत बोलो मत बोला। नहीं ये नहीं, यही बात हुई है ना आपकी बात से ही। मतलब इतना तो अंदाजा है मुझे, 8-9 साल हो गए कि आप कितना क्यों नहीं किए। ये काम किए हैं कुछ हद तक, ये भी असिस्टेंट ही किए हैं प्रॉपर, अपने घर पर पूरा बिल्डिंग का काम नहीं किए। बराबर, ये लड़का काफी हद तक जानता है। तो ये 50% वाले हैं, तो ये लगभग बी ग्रेड में आ जाएंगे, बाकी आप लोग सी ग्रेड में ही। आपका चांस है बी में, बट फिर भी मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि आपने अब जैक आप उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे, सेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, प्लाई की कटिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी पटरा यूज किया है। पटरा में कटिंग नहीं करना होता, पटरा ऑलरेडी पतला पतला होता है, रखते जाओ 19-20 होता है तो आगे पीछे करके मैनेज हो जाता है, बट प्लाई काटनी पड़ती है। अगर आपको बॉक्स बनाना है तो नाप से उसको कटिंग करके फिटिंग करनी पड़ेगी, कील मारनी पड़ेगी, लॉक लगाना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है, आपने मैनुअल काम किया है, ये टेक्निकल काम हो गया, समझे? तो हो सकता है बी में, बट आप भी सी में ही हो, बाकी आप दोनों तो हेल्प करो, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने आपको सारा समझा दिया एबीसी में कंपनी। हाँ इतना समझ लो, अगर कैटेगरी में आओगे तो बी भी नहीं है कोई इसमें, ये तो थोड़ा है, बाकी बी है, बाकी सी में हो। तो अगर बी कैटेगरी का भी सैलरी मान लो, तो जिनको में खा पी के 25-26 हजार बचे, ठीक है, जिनको में। और अगर ए कैटेगरी वाले का तो 30-30 हजार तक जाता है। तो ए तो कोई नहीं इसमें, बी में चांस है इसका, बाकी भी नहीं। तो आप मोटी मोटा ये दिमाग में रखे जाओ आप लोग, खा पी के 25 हजार तक बच जाएगा आप लोग। अरे जो हो वही एबीसी भूल जाओ, 22-25 हजार रुपए आप लोग घर को फेंक दोगे खा पी के। ओटी अच्छा चलता है 3-4 घंटे, कंपनी सप्लाई नहीं है, कोई पैसा नहीं कटना है, 1 रुपया आप लोग का वहां जाके, समझे? कोई कंफ्यूजन है आसान? नहीं नहीं, क्या हुआ? बोलो 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 बोलो, अगर कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, पूछोगे तब तो खड़े शांत रहने से नहीं होगा। बोलिए, पूछिए पूछिए, क्या हुआ, पूछो, क्या नाम है तुम्हारा? कुर्बान। तो बोल क्यों नहीं रहे कुर्बान जी, क्या कंफ्यूजन है, मुझसे पूछो बात क्या है। देखो यहाँ बात कर सकते, वहां बात नहीं कर सकते, वहां पे सीधे SRNO होगा, रिटर्न इंडिया या तो गोवर। आप मुझे यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है मुझसे क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत। ओटी करेंगे तो तभी हमारा 25 सैलरी रहेगा, 25,000 और कितना सैलरी बनेगा, क्या आप सोच के जा रहे हो, 1 लाख? तो हम खुद 21,000-22,000 खुद हम काम करते हैं। तो 21-22 हजार करते हो तो यहाँ पे मतलब टोटल मिलती है, उसमें खाते हो, रहते हो, किराया देते हो, बराबर? हाँ पूरा अपने अपने बल पे काम करते हैं, घर पे रहते। 21,000 रुपए बच जाता है महीने का? पूछ लीजिए सामने 3 बंदे, मुझे किसी पूछना नहीं, तुम बताओ यार, मैं पंचायत थोड़ी करने बैठा हूँ, उनसे पूछने से पूछ लो, हम कर लेते हैं। तो क्यों जा रहे हो फिर दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, कहीं भी जाओगे तो 25-28 हजार से ऊपर आपको नहीं बचेगा, इतना दिमाग में रख के जाओ। नहीं किसी भी हेल्पर के इंजीनियर थोड़ी हो जाओगे, अरे 8 घंटा के अंदर में ना 25,000 रुपया, 8 घंटे के अंदर 25,000 कैसे बचेगा भाई, 8 घंटे के अंदर अगर 12 भी ए ग्रेड तो हो ही नहीं, बी ग्रेड के कारीगर भी मान लो तो 1100 11 गुना 22-23 हजार रुपए ये बनेगा। मैं हेल्पर से लगा के बता रहा हूँ आपका, ये अगर इसको 25-30 हजार हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, 30 हजार के ऊपर तो जाएगा ही खापी। अगर हम लोग अगर दिमाग लगाएंगे, मुझे दिमाग नहीं चाहिए, मुझे जो पूछ रहा हूँ वो सुनो, दिमाग लगाने से नहीं होता, दिमाग कंपनी थोड़ी खरीद लोगे तुम, जैसे हम वो नहीं कर रहे हैं सर, क्या कहना आप हमारे बात में, जैसे इसमें ले मैंने 4 भाग बताए ना, ABCD, ये तो हो ही नहीं। हाँ मैंने
मैंने हम लोग को चार शब्द सिखाए हैं ना कि अगर मैंने ए में करोगे तो इतना पाओगे, बी में करोगे नहीं। हाँ, ये नॉलेज अगर इतनी होगी तो तुम्हारे करने से नहीं होता। हाँ, तुम करने को हर आदमी कहेगा इंजीनियर वाली सीट मिल जाए। नहीं तो अगर हम लोग अपने दिमाग को प्रेशर डालेंगे काम वो मुझे नहीं पता, मैंने बता दिया। और प्रेशर वहाँ दिखाना है मुझे, मत दिखो वहाँ। काम अगर तुम्हें आएगा तो ठीक है 1100, नहीं तो 1000, नहीं तो 900। मेरा कहने का मतलब ये समझ में आ रहा तुम लोग को? क्या समझ रहा हूँ मैं, वैल्यूएशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ ये चीज है। लगने को 1200 भी है, 1100 भी, सब कंपनी देती है। वहाँ पे 1200 वाले भी, 1300 वाले भी मिलेंगे तुमको, और उसी में गए हुए फोरमैन भी है। बट कंपनी है, छोटा मोटा नहीं है, 3000-3500 आदमी है वहाँ पे। चलिए ठीक है सर। हाँ, कोई हमको दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो मत जाओ, मैं तो सीधे बोलूंगा। देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दिक्कत है तो मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। वहाँ से आओगे तुम्हारा और नुकसान होगा, नुकसान होगा। और यहाँ पे तो हम लोग मेहनती बंदे हैं। बेटा मेरी बात सुन लो यार, इतना बहस कर रहे हो, इतना बहस वहाँ करोगे तो फिर उसका तो माफी मांगोगे ना तो रखेगा ही। वहाँ पे सिर्फ दो बात करेगा, काम कराओ, काम करेंगे, ओके है ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है आप यहाँ पे करो, हमें क्या दिक्कत। वो तो रिपोर्ट फोरमैन देगा ना कितना काम आता है, उसको कोई दुश्मनी नहीं, ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट देता है। आप नहीं, साल का 1000 से ऊपर आदमी जाता है जिनको में यहाँ से, बाकी और जगह से भी जाते हैं। तो वहाँ पे 12-11 सब है, 9 भी लगता है। अभी इसको थोड़ी 1100 लगा देगा बेटे को, तो मैंने मिनिमम पे बताया है। बाकी उठाने को तो मेसन गए हैं 2000 ग्राम तक उठा रहे, जिनको में बहुत अच्छा सिस्टम है। वो इतना इस रूम का ठेका ले लो, रात दिन मिलके कर लो तुम, हम चार लोग मिलके, वो जितना उसका कोटेशन आता है 2000 ग्राम का पूरा रख लो, ठेका सिस्टम ये। और जिनको में आज तक कंप्लेन नहीं, सप्लाई कंपनी नहीं, ठेकेदारी नहीं है, कंप्लेन नहीं है, सैलरी मैं कम से कम बता के भेजता हूँ। उठाने को ज्यादा भी खा सकते हो, मैं सपने नहीं दिखाता तुम 55,000 बोल के 40,000 बोल के भेज दू, वहां तुम्हें 30,000 आएगा गाली दोगे। मैं कम से कम बता रहा हूँ कि आप दिमाग में रख के जाओ 25-30,000, बाकी ओटी करो, सिस्टम रहेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। कोई लड़का तक मुझे फोन नहीं किया, यही चीज मैं सबको बता देता हूँ। अगर तुम क्या सोच के जा रहे थे, 50,000? नहीं, कितना सोच के जा रहे थे? हम इतना सोचे थे कि मान लीजिए 30 तक हमारा काम, तो इतना सोच के जा रहे हो तो ठीक है। 1000-2000 ऊपर नीचे हो, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल के कोई फायदा भी नहीं। बस हम, देखो ना, मेरे कहने से तुम्हें 50,000 होगा ना मेरे कहने से 20,000 होगा। जी जी जी, आपकी मेहनत आपके काम पे। बस तो अगर 30,000 सोच के जा रहे हो तो जिनको में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही चाहिए सर। तो बस अगर इसके बाद 40-45 है तो मत जाना। नहीं नहीं, अगर दिमाग में ये रख के जा रहे हो खा पी नहीं, अगर दिमाग में ये रख के जा रहे हो कि खाना पीना काट के कितना बच जाएगा, तो ये समझ लो खा पी के सब काट के 25-30,000 तक सोच के जा रहे हो, घर को 25-30,000 तक भेज देंगे तो उतना भेज दोगे महीने का खाना पानी, हर एक चीज उसी में ना हो रहा है। मैं 30,000 में नहीं कह रहा हूँ, मैंने बोला खा पी के आप लोग 25-28,000 भेज दोगे, खा पी के बोला है मैंने। वैसे अगर कहोगे तो 35,000 तो कमाओगे, मुझे भी पता है, मगर बिजली फ्री है, रहना फ्री है, मेडिकल फ्री है, मगर खाना कम जिनको नहीं देती। तो वही मैंने बोला आप लोग खाना पीना खा के अपना घर को 25-28,000 भेज दोगे, ये मैंने बोला है। फिर से समझ लो मेरी बात को, समझो, कंफ्यूजन में कोई मत जाना, जब तक दिमाग में बात नहीं घुसेगी मत जाना। समझ आया? कोई प्रेशर भी नहीं है, नहीं मन है तो मत जाना, अभी कुछ नहीं गया है। वहां जाने के बाद फिर बहुत कुछ साइलेंट करने बोला था मैंने, तो समझे आप लोग। अभी क्या नाम है आपका, फिर से बोल गया मैं? कुर्बान साहब। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन दिमाग में ये रख के जाना कि 25-30,000 खा पी के बच जाएगा, बस उसी में हम खुश हैं। खुश हो ना आप भैया? खुश हैं सर। हाँ, हेल्पर में लग गए तो 22-25,000 को लगे चलना आप लोग, क्योंकि नहीं आता काम आप लोग को, जिम्मेदार नहीं हो। कंपनी ने फिलहाल हेल्पर का डिमांड भी नहीं दिया, मगर ठीक है जा रहे हो तो जाओ। तो आप लोग नहीं तो ट्रेनिंग कर लेते ना भाई, ट्रेनिंग तो कम से कम कितने कितने दिन आईनिंग किए हो तब तो फिर कुछ ना कुछ जानते हैं उसके बारे में, लेकिन हम लोग ये सोचे ठीक है चलो कोई बात नहीं। खाली बस किए कितने दिन? अभी इसी दिन आए हैं, अभी हम जाकर कॉपी पे अभी सब उतारे हैं। मुझे वो पूरा इतिहास नहीं पता है। एजेंट कौन है तुम्हारा? किशोर सर है, तीनों का। अच्छा, राज भाई के लड़के, मैं समझ गया। तो आप लोग यही चीज गलती है, 3 दिन अगर ट्रेनिंग किया होता 4 दिन ना, तुम बी ग्रेड में निकल जाते, तुम्हें नॉलेज
बट तुम्हें टेक्नोलॉजी का फर्क है, तुम बांस बल्ली कर रहे हो, अभी चार दिन ट्रेनिंग करते हो, तुम्हें पता होता अप्लाई कैसे है, सर्टिफिकेट क्या है, तुम बी में निकल जाते, तुम्हारा 5 दिन का ट्रेनिंग कम से कम तुम्हारा 150-200 दिरहम महीने का नुकसान कर देगा। चलिए सर, खैर कोई बात नहीं, अभी कोई दबाव कोई कंफ्यूजन किसी जाना चाहते हो बेटा, फिर बता दूं, अगर वहाँ एग्रीमेंट साइन कराते समय ऐसे क्वेश्चन किसी ने किया तो सीधे बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो फिर नहीं लेते हैं चाहे आप ना कर, तो वहाँ बहसबाजी एग्रीमेंट पे मत करना आप लोग, बाद में करोगे तो अभी मेरा फिर मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू वेरी मच। कोई दबाव कोई पैसा किसी के ऊपर, कोई दबाव जाना चाहते हो जी, क्या ये मैडम से ले लीजिए, कल का आपका फ्लाइट है, ठीक है।